काफी लंबे समय से कलेक्ट्रेट में चला आ रहा विवाद आखिर थम गया और इसकी तीसरी अपर कलेक्टर दीपित मंडापी की भोपाल रवानी के बाद ही हो पाई है। कुछ समय पूर्व SDM शिवानी गर्ग ने व्हाट्सएप के एक शासकीय ग्रुप पर मैसेज दर्ज किया था, जिसमें कहा गया था कि SDM यदि शराब और मुर्गा कादी की मांग करें तो उनको देने वाले व्यक्ति पर सख्ती से कार्यवाही की जाएगी। इस मैसेज में उन्होंने सभी पटवारी, RI, नायब तहसीलदार एवं तहसीलदारों को संबोधित किया था। बताया जा रहा है कि दिलीप मंडावी कई पटवारी, तहसीलदार एवं नायब तहसीलदारों से रोज शाम को शराब एवं अन्य चीजों की मांग करते थे, जिसको लेकर कई बार इनकी शिकायत कलेक्टर भास्कर लक्षाकार से भी की गई, जिसके बाद भी ये सुधरने का नाम नहीं ले रहे थे। इस बात की सूचना जब SDM शिवानी गर्ग को लगी तो उन्होंने सभी को तत्काल प्रभाव से उनको लाभ पहुंचाने की मनाही कर दी, जिसके बाद प्रशासन ने भी दिलीप मंडावी को गुना से भोपाल तलब किया है। एक त्वरित आदेश के तहत उन्हें तत्काल प्रभाव से गुना से अस्थायी रूप से भोपाल मंत्रालय में उप सचिव के पद पर तैनात किया गया है। समझ से परे है कि ये इकलौते ऐसे अधिकारी नहीं जो इस तरह की मांगे अपने अधीनस्थ कर्मचारियों से करते हैं। इसके अलावा कई और अधिकारी हैं जिनके बारे में अक्सर सुनने में आता है। ये अपने अधीनस्थ कर्मचारियों या फिर आमजन जो उनसे किसी न किसी काम के लिए पहुंचते हैं, कहीं ना कहीं फायदा उठाते हैं। देखने लायक होगा कि क्या दिलीप मंडावी का उदाहरण लेकर आगे अन्य अधिकारियों एवं कर्मचारियों पर जो कि अपनी नाजायज मांगों को पूरा करने के लोगों को परेशान करते हैं, उन पर किस तरह का फरमान जारी होगा या नहीं होगा। पिछले कई दिनों से पटवारियों और तहसीलदार, नायब तहसीलदार द्वारा मुझे मौखिक रूप से कई बार बताया गया कि कुछ वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा निरंतर कुछ अनुचित मांगें की जा रही थी, जिसकी वजह से मैंने उनको निर्देशित किया कि आपको किसी की भी अननेसेसरी मांगें पूरी करने की आवश्यकता नहीं है। और इसके बाद में कोई पटवारियों द्वारा भी ज्ञापन वगैरह कोई दिया गया? जी, कलेक्टर महोदय को पूर्व में भी मौखिक रूप से अवगत कराया गया था और इसके बाद लिखित में समस्त पटवारियों और नायब तहसीलदार के द्वारा कलेक्टर महोदय को प्रमुख सचिव जी के नाम से एक ज्ञापन दिया गया है। कितने समय पहले की ये बात है? तकरीबन ये एक सप्ताह पूर्व ज्ञापन प्रेषित किया गया था। तो अभी इस पर कोई कार्रवाई या कोई कुछ हुआ? कार्रवाई तो वरिष्ठ स्तर से की जानी है, इसकी मुझे अभी कोई जानकारी नहीं है।